बिग विंग आगरा, होंडा का बिग विंग जो है, जिसपे आपको हाई एंड मोटरसाइकिल्स मिलती है होंडा की तरफ से, तो उसी पे आए हुए हैं। और अपने सामने खड़ी हुई है CB300F होंडा की तरफ से, जो कि एक बहुत बढ़िया बाइक है। इसका रिफाइनमेंट लेवल भी काफ़ी अच्छा है। तो बने रहिए इस वीडियो में, आपको दिखाते हैं इसका पूरा वॉक अराउंड और डिटेल्स, कितनी ही अच्छी गाड़ी है। गाइज, अगर इसके प्राइसिंग की बात कर ले तो इसमें दो वेरिएंट ऑफर करे जाते हैं, डीलक्स और डीलक्स प्रो। डीलक्स की प्राइस है 2,26,000 रुपये एक्स शोरूम, और डीलक्स प्रो की प्राइस है 2,29,000 रुपये एक्स शोरूम। गाइज, अगर पहली बार आप इस बाइक को CB300F को देखेंगे तो आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, वाओ क्या बाइक है। सच में ये एक ब्यूटीफुल नेकेड स्ट्रीट बाइक है, जो सच में देखने को लगती भी है। और ये आप देख सकते हैं फ्रंट में जो फोक्स दिए गए हैं, वो भी गोल्डन कलर में दिए गए हैं, जो कि और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं इस बाइक को। तो ये तीन कलर्स में अवेलेबल है और काफ़ी बढ़िया लगती है, कहीं से भी ओवरडन नहीं लगती है। तो चलिए इसकी स्पेसिफिकेशन की और बात कर लेते हैं डीपली। तो फ्रंट से आपको बात करें तो आपको देखने को मिलेगा जो डिस्क है, वो आपको 276mm की फ्रंट डिस्क मिलने वाली है निसिन के कैलिपर के साथ। डुअल चैनल ABS मिल जाते हैं। और ये है आपका टायर साइज़, ये आप देख सकते हैं 110/70R17 का आपको 17 इंच का अलॉय व्हील मिलने वाला है, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है मैट ब्लैक कलर में। ABS की स्टिकरिंग मिल जाती है मड गार्ड पे, और मड गार्ड भी काफ़ी अच्छे से एरोडायनामिकली डिज़ाइन हो रखा है। USD फोक्स अपसाइड डाउन दे दिए गए हैं, और गोल्डन कलर में तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। और फ्रंट में स्प्लिटेड हेडलैम्प दैट टू आर इन LED, इतनी सुंदर लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे ट्रांसफॉर्मर का लुक दे दिया गया हो। आपको कैसा लग रहा है जरूर कमेंट्स बताइए। होंडा की स्टिकरिंग मिल जाती है, ये आप देख सकते हैं। और जो रेड हॉट जो कलर है वो भी काफ़ी बढ़िया है। LED इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं, हजार्ड लाइट का ऑप्शन भी दिया गया है गाड़ी में। और ये है एयर कूल्ड बाइक, तो इसमें जो आपको जो इंजन मिलने वाला है वो भी आपको बताया था। सिंगल हॉर्न देखने को मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं। और ये आपको रेडिएटर मिल जाता है, और जो फ्यूल टैंक का फ्रंट पार्ट है उसको भी एरोडायनामिकली डिज़ाइन किया है, काफ़ी बढ़िया लगता है। और ये है इस मशीन का पुलिंग डिपार्टमेंट, जो कि 293cc का एयर कूल्ड इंजन है, जो प्रोड्यूस करता है 25 PS की पावर और 26 Nm का टॉर्क, जो कि काफ़ी बढ़िया है इस बाइक के हिसाब से। और ये टॉर्क की साबित भी होती है, क्योंकि मैंने इस बाइक को चला के देखा था। होंडा की सम गार्ड देखने को मिल जाता है, मतलब स्टिकरिंग जो मिल जाती है होंडा की, और होंडा की ब्रांडिंग आपको इंजन पर मिल जाती है। एडजस्टेबल फुटबैक्स मिल जाते हैं राइडर के लिए एज वेल एज पिलियन के लिए, जो काफ़ी सॉलिडली बिल्ट है। और रिजर्वायर पीछे वाली ब्रेक के लिए मिल जाता है। और पीछे वाले डिस्क की बात करी जाए तो आपको मैं बता देता हूँ, इसकी जो डिस्क मिलती है वो मिलती है कहीं ना कहीं 220mm की। और ये है टायर साइज़, ये आप देख सकते हैं, और टायर साइज़ भी काफ़ी ब्रॉड है, तो आपको मनूवर करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और टिपिकल आपको एग्जॉस्ट देखने को मिलने वाला है, जो आपको CBR में भी देखने को मिलता था। बहुत सारी बाइक्स होंडा की बाइक्स में यही मिलता है। ग्रैब रेल्स आर परफेक्टली डिजाइन्ड, और एरोडायनामिकली टेल जो है वो डिज़ाइन करी गई है। LED इंडिकेटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे विद टेल रिफ्लेक्टर, ये आप देख सकते हैं। और ये नंबर प्लेट का ब्रैकेट और इल्यूमिनेशन मिल जाती है, और रिफ्लेक्टर। ये आपको गार्ड देखने को मिल जाता है, लेग गार्ड, जिसकी मदद से आप अपने सेफ्टी, मतलब जो पिलियन सेफ्टी है अपनी कर पाएगा। और ये एडजस्टेबल मोनोशॉक एब्जॉर्बर मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो ओवरऑल जो पैकेज है इस बाइक का बहुत बढ़िया है। 6 स्पीड गेयरबॉक्स मिल जाता है, एडजस्टेबल फुट पैक्स मिल जाते हैं राइडर के लिए। और ये है इंजन, ये आप देख सकते हैं, काफ़ी कूल इंजन लग रहा है। और आइए ऊपर बात कर लेते हैं, ऊपर क्या सीन है। तो ये जो फ्यूल टैंक आपको मिलने वाला है, उसकी कैपेसिटी की हम बात करें तो समवॉट अराउंड 14 लीटर की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, जिससे कि आप अच्छी खासी रेंज निकाल सकते हैं और अच्छा खासा माइलेज भी गेन कर सकते हैं। और फ्यूल टैंक पे होंडा ने कोई कसर नहीं छोड़ी है ब्रांडिंग करने में, जिससे आप भूल ना जाएं कहीं ये होंडा की बाइक है। और लेफ्ट साइड में आपको सारे MIDA कंट्रोल्स मिल जाएंगे, या आप कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल। हॉर्न के लिए जगह मिल जाती है, इंडिकेटर के लिए, और पास IBM लो बीम के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाता है। क्लच जो है काफ़ी सॉफ्टर साइड में है, ये आप देख सकते हैं। तो होंडा की सारी बाइक्स में क्लच जो है काफ़ी सॉफ्टर रहता है, तो लॉन्ग डिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो और जो की है वो टैंक पे ही लगती है। और ये है इंजन किल के लिए और स्टार्ट के लिए, हजार्ड लाइट के लिए आपको बटन मिल जाता है, और ये इलेक्ट्रिक स्टार्ट के लिए आपको, इंजन स्टार्ट के लिए आपको बटन मिल जाता है। रिजर्वायर दे दिया गया फ्रंट ब्रेक के लिए, और एक्सेलरेशन भी काफ़ी बढ़िया है, ब्रेकिंग भी काफ़ी बढ़िया है। होंडा की बाइक में ब्रेकिंग और जो एक्सेलरेशन रिफाइनमेंट वगैरह है, ये काफ़ी बढ़िया है। और क्लच का जो लीवर होता है वो भी काफ़ी स्मूथ है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और ये है भाई डिस्प्ले, जो कि नेगेटिव डिस्प्ले है, और धूप में भी आप आराम से रीड कर लेंगे। तो आप इसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं, इससे टॉगल कर पाएंगे आप।
देखिए आरपीएम मीटर आपको देखने को मिल रहा होगा और न्यूट्रल मतलब गियर इंडिकेशन भी आपको देखने को मिल रही होगी, डिजिटल स्पीडोमीटर है, ट्रिप वगैरह आप चेक कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी इस बाइक में, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और मोबाइल कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है, ये काफ़ी अच्छी बात है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप GPS नेविगेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए इसको स्टार्ट करके देख लेते हैं एक बार। काफ़ी रिफाइंड इंजन है और काफ़ी सटल आवाज़ इसकी दी गई है एग्जॉस्ट की। इस बाइक में आपको 12 वोल्ट 5 एम्पीयर की बैटरी मिल जाती है। और इसके अगर डाइमेंशंस की बात करी जाए तो डायमेंशन में आपको चैसी टाइप जो मिलने वाला है डायमंड टाइप में मिलने वाला है। कर्व वेट 153 केजी का है। सीट हाइट आपको 789 mm की मिल जाती है। और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी बढ़िया रखा गया है 177 mm का। ओवरऑल लेंथ 2084 mm की दी गई है और जो विड्थ है 765 mm की। ओवरऑल हाइट 1075 mm की और व्हील बेस आपको 1390 mm का मिल जाता है। इसमें 3 ईयर्स 42,000 किलोमीटर्स की आपको इसमें वारंटी मिल जाती है, स्टैंडर्ड वारंटी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग द ऑटो स्टूडियो। बाय बाय, टेक केयर।